पहले मैं एक सरकारी नौकरी करता था और अकाउंटेंट के पद पर कार्य करता था। मेरी नौकरी बैंक में थी और मेरा पूरा दिन रुपए गिनने में ही निकल जाता था। मैं उदास रहता था क्योंकि मेरे पास सिर्फ एक ही तरह का काम रहता था, वो भी नोट का गुनना। लेकिन इस जीवन से मैं बिल्कुल भी खुश नहीं था और एक दिन मैं एक पार्टी में पहुंच गया जहां पर लड़के लड़कियां मिलकर कुछ खेल खेल रहे थे और मैं पहली बार खुश हुआ कि जीवन कुछ इस तरह का होना चाहिए। नौकरी में हमेशा हमें मीटिंग करनी होती है, एक दूसरे से डिस्कशन करना होता है। कई बार इस पर उलझन पैदा हो जाती है और हम एक दूसरे से खफा हो जाते हैं। हमें 24 घंटे ऑफिस में ही काम करना होता था और कभी-कभी तो देर रात तक काम करना पड़ता था। इस समय हमें बहुत ही नींद आती थी और हमारे पास काम ही काम होता था। रात में भी काम, दिन में भी काम, इस प्रकार हम थक जाते थे और लेकिन ये लाइफ हमें बहुत बोरिंग लगती थी। मेरी पत्नी हमेशा लैपटॉप पर ही काम किया करती थी, उसके पास जरा भी बच्चे की देखभाल करने के लिए टाइम नहीं होता था और ना ही मेरे लिए। ये जीवन बहुत ही थका देने वाला होता था। कंप्यूटर पर दिन भर काम करने से मस्तिष्क में तनाव पैदा होता था और इससे मैं कई रोगों से ग्रस्त हो चुका था। लेकिन नौकरी करने के अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं था। परिवार के लिए मुझे नौकरी करनी पड़ी और इसके कारण मेरी पत्नी ने नौकरी छोड़ दी और अपना पसंदीदा काम ड्राइंग और पेंटिंग में मन लगाया और उसने सोचा कि इसमें ही उसे सफलता मिलेगी। और पत्नी के नौकरी छोड़ देने से किचन का काम भी मुझे ही करना पड़ता था। ऑफिस का काम और किचन का काम दोनों ही करते रहने से मेरा जीवन पूरी तरह से व्यस्त हो चुका था और मैं अपने सपनों को भूल चुका था। लेकिन इसी कारण मुझे अपने जीवन का उद्देश्य पता चला कि मुझे लाइफ में क्या करना है और मैंने स्वादिष्ट भोजन बनाना शुरू किया जिससे कि मैं भविष्य में